इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चौहान और आज हम बात करेंगे पटियाला रियासत की। पटियाला भारत के सबसे फेमस रियासतों में से एक है। ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में पटियाला के महाराजा, उनकी शान और शौकत, उनके हीरे जवाहरात और उनकी एक लार्जर देन लाइफ जीवन शैली की कहानियां बहुत ही मशहूर है। पटियाला रियासत की कहानी समझने के लिए हमें पंजाब का थोड़ा इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। पंजाब भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक है। यहाँ पर जो 5 फेमस नदियाँ हैं और ज़मीन बहुत अच्छी है और अलग अलग जो साम्राज्य आए, यू नो, यहाँ मौर्यन साम्राज्य से लेकर गुप्ता साम्राज्य, कुशांस या फिर इवन दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य का ये एक केंद्र रहा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जितने भी हमले हुए भारत पर नॉर्थ ईस्ट से, तो ये सब पंजाब से ही आते थे। तो पंजाब का अगर हम इतिहास देखें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी तक पंजाब जो है वो मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा रहा। मुग़लों ने काफ़ी कोशिश की कि जो सिख धर्म है और जो सिखों के जो गुरु हैं उनको कुचलने की, और जैसे हम जानते हैं कि आनंदपुर साहिब जो उनकी राजधानी थी उस पर बड़ा हमला हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी के जो लड़के थे उनकी बहुत ही क्रूर तरीके से उन्हें दीवार में चुनवाया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी पर जानलेवा हमला हुआ। ये सारा औरंगज़ेब के काल में और फिर उसके बाद जो उनके जो बेटे थे बहादुर शाह उनके काल में ये सब हुआ। पर जैसे मुग़ल साम्राज्य टूटता गया तो ये जो मिसल करके जो एक सिख पावर्स होते थे उनकी सत्ताएं बढ़ने लगी। तो जैसे अलूवालिया मिसल थी जो फिर बाद में चल के जो प्रिंसली स्टेट ऑफ कपूरथला है बनी, संध्या वाला मिसल, सुकर चुकिया मिसल, तो ऐसे अलग अलग जो पंजाब है वो इन सिख प्रिंसिपैलिटीज़ में बट गया। उनमें से एक ही ऐसी मिसल थी जो थी फूलकिया मिसल। फूलकिया मिसल वॉज नेम्ड आफ्टर चौधरी फूल सिंह या फूल करके उन्हें कहा जाता है। 1652 के करीब उन्हें जो गुरु हर राय है उन्हें आशीर्वाद दिया था ये जो आदमी है, और उन्हीं के वंशज फिर आगे चल के जो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पटियाला है और नाभा है और जिंद है, ये जो 3 बड़ी पंजाब की जो रियासतें हैं इन्हीं वो फुलकियाँ जो डिनेस्टी है और जो फुलकियाँ मिसल है उसी से उभरी है। पटियाला की कहानी शुरू होती है बाबा आला सिंह के साथ जो एक पावरफुल सिख वॉरियर थे और इस फुलकियाँ परिवार के सदस्य थे। 1732 में ये जो मुग़ल कंट्रोल जो शासन का जो कोलैप्स हुआ पंजाब में उसका एडवांटेज लेकर उन्होंने बरनाला करके एक जगह है पंजाब में, वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई और वहाँ पर वो सत्ता करने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने और टेरिटरीज कैप्चर की और अपना राज्य उन्होंने विस्तार किया। अराउंड 1753 के करीब उन्होंने एक जगह को कैप्चर किया और वहाँ पर एक कच्ची गढ़ी बनाई, लाइक मड फोर्ट जिसे हम कहते हैं, और आगे चल के ही इसी कच्ची गढ़ी और मड फोर्ट को फिर पट्टी आला कहा जाने लगा। पट्टी आला मतलब आला की ज़मीन या आला की पट्टी, और इसी से इस शहर का नाम पटियाला पड़ा। जब बाबा आला सिंह ने ये पटियाला और इस कच्ची गढ़ी का निर्माण किया था तो वहाँ पर एक उन्होंने एक जोत, एक सेक्रेड फ्लेम वो लाए थे ज्वाला जी, जो हिमाचल कांगड़ा के पास है, जो एक ज़मीन से एक फ्लेम निकलती है, ज्वाला जी का मंदिर बहुत फेमस है। सो वहाँ से ये फ्लेम उन्होंने लाई और इस कच्ची गढ़ी में उन्होंने स्थापन की और इसे अमर ज्योत कहा जाता है बिकॉज लिटरली 250 साल से आज भी वो पटियाला में जल रही है एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ पटियाला। और वो जो कच्ची गढ़ी है वो आज किला मुबारक, जो पटियाला शहर के बीचों बीच एक जो किला बना हुआ है वो किला मुबारक के नाम से मशहूर है। बाद में 1760s में जब अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए और मराठास पानीपत में आए, सदाशिवराव के भाऊ,
के अंडर में अब्दाली के साथ लड़ने के लिए, तो बाबा आला सिंह ने बड़ी स्मार्टली अपने कार्ड्स खेले। वो कभी मराठों को रसद पहुंचाते थे, वो अब्दाली को रसद पहुंचाते थे। तो जैसे अब्दाली ने यहाँ पे कत्लेआम किया था और पंजाब में, और बहुत लूटपाट मचाई थी, थैंकफुली थ्रू क्लेवर डिप्लोमेसी और थोड़ा सा रसद करके और थोड़ी अब्दाली को मदद करके पटियाला ने अपने आप को सुरक्षित रखा। और इवन जब मराठों की हार हुई तो उन्होंने काफ़ी मराठास को, जो जब पानीपत की इसमें काफ़ी कत्लेआम हुआ और जो मराठास उत्तर की तरफ भागे, तो वो पटियाला में गए और उन्हें काफ़ी सपोर्ट भी जो बाबा आला सिंह और उनके सक्सेसर्स ने दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1760 में पटियाला ने दोनों साइड को सपोर्ट करके एक अपना बैलेंस ऑफ पावर या अपनी सत्ता बचाने की कोशिश की। फिर आगे चल के अभी हम ये बात कर रहे हैं अराउंड 40 इयर्स डाउन द लाइन। अब ये काल है महाराजा रंजीत सिंह का। महाराजा रंजीत सिंह भी थे जो फिर जिन्होंने खालसा एम्पायर का निर्माण किया, वो भी एक मिसल परिवार में थे, बट ही वॉज अ वेरी ग्रेट जनरल एंड अ वेरी ग्रेट पावर। तो उन्होंने क्या किया, ये जो छोटी छोटी मिसल्स थी उन्हें एक के बाद एक कैप्चर करते गए। लाहौर कैप्चर किया, अमृतसर कैप्चर किया, और उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना साम्राज्य, जो सिख एम्पायर है, जो खालसा एम्पायर है, उसका निर्माण किया, विच स्ट्रेच्ड फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ सिंध, जो मुल्तान से लेकर लिटरली तिब्बत के बॉर्डर तक, और पेशावर से लेकर अमृतसर के आगे तक, ये इनफैक्ट कांगड़ा तक फैला हुआ था। अब उस समय क्या हुआ, अबाउट 1805 की बात है, कि जो बाकी जो सिख राज्य थे जैसे कि पटियाला, नाभा, जिंद, कपूरथला, उन्हें अभी डर लगने लगा कि महाराजा रंजीत सिंह जो है वो एक 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 करके ये सारे जो सिख किंगडम्स हैं उनको अपने राज्यों में मिला लेंगे। तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी कि आप हमारी रक्षा कीजिए महाराजा रंजीत सिंह और उनकी आर्मी के खिलाफ। और फिर नेगोशिएशंस हुए, ब्रिटिश को भी ये डर था कि महाराजा रंजीत सिंह, क्योंकि उनके काफ़ी फ्रेंच जनरल्स थे, वो फ्रेंच के साथ ट्रीटी कर लेंगे या रशियंस के साथ एक सुलह कर लेंगे। बिकॉज हमें समझना पड़ेगा ये नेपोलियन का भी ज़माना था जब नेपोलियन भारत पर हमला करना चाहता था। तो 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, जिसके तहत ये जो पटियाला, नाभा, जिंद, कपूरथला, फरीदकोट, ये सारी रियासतें बिकेम ब्रिटिश प्रोटेक्ट्रेट्स। और महाराजा रंजीत सिंह ने ये प्रॉमिस किया कि जो सतलज नदी है दैट विल बी द बॉर्डर सिख राज्य की और ब्रिटिश एम्पायर की, और जो जो भी ये रियासतें हैं जो सतलज के दूसरी तरफ है, मतलब जो दूसरे छोर पर है, उन्हें वो हमला नहीं करेंगे। तो इस तरीके से प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला बिकेम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट। ये जो दोस्ती थी पटियाला और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में, वो हमें आगे भी देखने को मिलती है 1857 में। उस समय जब दिल्ली में और मेरठ में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, और बल्लभगढ़ है और ये जो सारे एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी जो विद्रोह हुए, तो काफ़ी जो ब्रिटिशर्स थे वो भागकर पटियाला में उन्होंने शरण ली। बाद में जब जो भारतीय से फाइटर्स थे और जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली में थे, और जब ब्रिटिश फौज को दिल्ली को रीकैप्चर करना था, तो पटियाला की फौजों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया दिल्ली को रीकैप्चर करने में और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाने में। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब दिल्ली को अंग्रेज़ों ने रीकैप्चर किया तो यहाँ पर काफ़ी कत्लेआम हुआ, पर मिर्ज़ा गालिब जिस गली में रहते थे उस गली में एक कॉटिज़ान या एक तवायफ रहती थी जो महाराजा पटियाला की फेवरेट तवायफ थी, और उस तवायफ ने महाराजा पटियाला को प्रॉमिस किया था कि आप प्लीज़ अपने ट्रूप्स भेजिए और मेरी जो मोहल्ला है उसे प्रोटेक्ट कीजिए ताकि अंग्रेज़ यहाँ पे लूटपाट ना कर सके। तो महाराजा पटियाला के ट्रूप्स उन्होंने वहाँ पे लगाए थे। तो पूरी दिल्ली में कत्लेआम हुआ, पर इसी एरिया में जहाँ पे इंसिडेंटली गालिब, मिर्ज़ा गालिब रहते थे, वहाँ पर ये कत्लेआम नहीं हुआ। और इसी की वजह से इनडायरेक्टली महाराजा पटियाला की ट्रूप्स की वजह से मिर्ज़ा गालिब की जान बची 1857 में। एज अ रिवॉर्ड जो
पटियाला दरबार है उसे काफ़ी उन्हें बड़े बड़े ओहदे दिए गए, स्टेटस दिया गया, जागीरें दी गई, रिवॉर्ड्स दिए गए और जो पटियाला महाराजा है उन्हें कहा जाता था फर्जंदे खास ए दीवाने इंग्लिश शाह, द स्पेशल फ्रेंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो उसका भी टाइटल आगे चल के पटियाला के महाराजाओं को मिला। पटियाला के जो महाराजास थे उनमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है महाराजा राजेंद्र सिंह, जो 1870 से लेकर 1900 तक जिन्होंने पटियाला रियासत पर राज किया और उन्होंने जो पटियाला हम बोलते हैं लार्जर देन लाइफ लिविंग लाइफ किंग साइज, तो ही वॉज द फर्स्ट पटियाला महाराजा जिन्होंने एक रॉयल लाइफस्टाइल जिन्हें बहुत पसंद था, जो मोती बाग महल है उसे उन्होंने एक्सटेंड किया। मोती बाग महल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेसेस इन इंडिया, 1200 कमरे हैं उसमें और 300 एकड़ में फैला हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ लाइक इट हैज़ बाथरूम्स लाइक, एक अंग्रेज ने लिखा है कि इट हैज़ बाथरूम्स लाइक बॉल रूम्स, तो ये बहुत आलीशान महल है। उन्होंने कई और कोठियाँ बनाई, शिमला में उनके काफ़ी घर थे, छैल करके एक जगह है शिमला के पास विच वॉज द लेटर बिकेम द समर कैपिटल ऑफ पटियाला स्टेट, वो उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है महाराजा राजेंद्र सिंह से एसोसिएटेड कि ये एक अभी ये कही सुनी बात है, इसमें तथ्य नहीं है, कि शिमला में एक जगह है स्कैंडल पॉइंट और लोगों का ये कहना है कि जो महाराजा राजेंद्र सिंह थे उनका और जो लॉर्ड कर्जन की बीवी का अफेयर था, कुछ लोग कहते हैं महाराजा राजेंद्र सिंह और लॉर्ड कर्जन की बेटी का अफेयर था, बट जो शिमला के जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बात को नकार देते हैं। ये स्कैंडल पॉइंट ऐसा ही एक नाम पड़ गया है शिमला में और उस पटियाला महाराजाओं के साथ उसे जोड़ा जाता है, पर सच बात यह है कि ऐसा कोई स्कैंडल यहाँ पर नहीं हुआ था। एक और इंटरेस्टिंग बात है महाराजा राजेंद्र सिंह के बारे में कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ओन अ कार, उनके पास एक डी डियोन करके एक गाड़ी हुआ करती थी और वो भारत की अंग्रेज़ों के पास तो एक दो गाड़ियाँ थी उस समय, बट गाड़ी ओन करने वाले वो पहले भारतीय थे। महाराजा राजेंद्र सिंह को भी क्रिकेट का बहुत शौक था और फिर आगे चल के उनके बेटे भूपिंदर सिंह और यादविंदर सिंह और वो सब आगे चल के लेके गए, पर जो एक रिलेशनशिप है क्रिकेट के साथ वो उन्होंने ही शुरुआत किया। इनफैक्ट छैल में उन्होंने एक पूरा पहाड़ कटवा के वहाँ पर छैल क्रिकेट ग्राउंड बनवाया और इट इज़ द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड, वहाँ पर अभी एक मिलिट्री स्कूल है, बट छैल बहुत ही फैसिनेटिंग है और उसका डिवेलपमेंट महाराजा राजेंद्र सिंह के समय ही शुरू हुआ था। महाराजा राजेंद्र सिंह का निधन हुआ 1900 में और उनके बेटे जो बहुत कम उम्र के थे महाराजा भूपिंदर सिंह वो राजगद्दी पर बैठे। अब महाराजा भूपिंदर सिंह वॉज वन ऑफ द मोस्ट लार्जर देन लाइफ फिगर्स इन रॉयल इंडिया, जो फेमस पटियाला पेग है वो उन्हीं ने डेवलप किया था। उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक़ था, कुछ लोग कहते हैं उनके पास लिटरली 200 गाड़ियाँ थी। उन्हें औरतों का बहुत शौक़ था, लिटरली उनके पास उनके हरम में 200 से ज़्यादा औरतें थी और इनफैक्ट जेवर हो या ही वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस टू ओन अ प्लेन, उनका अपना हवाई जहाज़ था और शाही आदमी थे वो, उन्होंने काफ़ी महल बनवाए। एक इंटरेस्टिंग कहानी महाराजा भूपिंदर सिंह को लेकर यह है, वो है पटियाला नेकलेस की। ये जो पटियाला नेकलेस है वो 1000 कैरेट हीरे उससे ज़्यादा हीरे उसमें जड़े हुए हैं और उसमें अलग अलग रंगों के हीरे हैं, बीच में एक येलो कलर का बहुत बड़ा हीरा है एंड इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव नेकलेस इन द वर्ल्ड एवर मेड और ये कार्टियर ने बनाया था। और एक कहानी बहुत फेमस है कि कैसे कार्टियर के शोरूम में एक दिन ये सिख वॉरियर्स आए हाथों में तलवार लेकर, और ये पेरिस की बात कर रहे हैं हम, और दी जस्ट है ट्रंक भर के वो लाए थे और जब वो ट्रंक खोले तो उसमें लूज हीरे मोती रूबीज एमरल्ड्स वो सब लूज में थे और फिर महाराजा पटियाला ने उन्हें लिटरली 120 पीसेस हीरे जवाहरात बाजूबंद कंठे
सिरपेच ये सब बनाने का उन्हें ऑर्डर दिया। उनके पास एक ब्यूटीफुल चांदी की बग्घी थी जो आज इसमें देखी जा सकती है, जो पटियाला किला मुबारक का दरबार हॉल है वहाँ पर वो रखी हुई है। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा मेडल कलेक्शन था जो मैंने खुद देखा है, 1990s तक वो डिस्प्ले में था, जो पटियाला में जो शीश महल है मोती बाग पैलेस के पीछे, तो वहाँ पर वो डिस्प्ले पर था। महाराजा भूपिंदर सिंह ने अगर एक फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है तो वो है स्पोर्ट्स में। जो वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, पटियाला में जो जिमखाना क्लब है वहाँ पर उन्होंने क्रिकेट पवेलियंस बनाए, क्रिकेट का पिच बनाया, काफ़ी क्रिकेटर्स को उन्होंने सपोर्ट किया। जो BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसके वो फाउंडर मेंबर थे। जो रणजी ट्रॉफी है, तो जो रणजी ट्रॉफी उनके जो फेमस क्रिकेटर रणजी के नाम पे है, पर वो जो रणजी ट्रॉफी का पैसा था वो महाराजा पटियाला ने दिया था अपने फ्रेंड रणजी की याद में उनके निधन के बाद। हॉकी में उन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। गामा पहलवान जो रेसलर थे उनके वो पेट्रन थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी महाराजा भूपिंदर सिंह को लेके है, वो है अडोल्फ हिटलर से उनकी मुलाकात को लेकर। तो 1930s में जब महाराजा भूपिंदर सिंह यूरोप गए तो एक उनकी एक स्पेशल मीटिंग हुई अडोल्फ हिटलर के साथ बर्लिन में, और हिटलर इतने प्रभावी हुए महाराजा भूपिंदर सिंह की पर्सनालिटी के साथ कि उन्होंने एक साइंड ऑटोग्राफ्ड फोटो, कपल ऑफ पिस्टल्स और एक मेबाक कार उन्हें प्रेजेंट की एज अ गिफ्ट। और हिटलर ने सिर्फ दो ही और एशियन रूलर्स को ये गाड़ियों का गिफ्ट दिया था, एक है द किंग ऑफ इजिप्ट और दूसरे हैं नेपाल के राणा को। और ये जो फेमस पटियाला मेबैक है जो हिटलर ने दी थी, फिर बाद में वो बेची गई, आज वो यूरोप में है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेबैक कार्स इन द वर्ल्ड टुडे। पर एक बात हमें महाराजा भूपिंदर सिंह के बारे में कहनी पड़ेगी कि ये जो उनका लाजदन लाइफस्टाइल था, अय्याशी थी, महल थे, कोठियाँ थी, उसे फाइनेंस किया करते थे। इट वॉज़ द रेवेन्यू ऑफ पटियाला। अभी पटियाला एक बहुत फर्टाइल जगह है, यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उस समय डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हुए बिकॉज सारा जो रियासत का जो पैसा आता था वो स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स में नहीं जाकर राज परिवार पर खर्च किया जाता था। और इनफैक्ट पटियाला रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट निकली थी कि कैसे जनता पर अत्याचार किया जाता है, और एक सेक्शन था जो महाराजा पटियाला पर काफ़ी अपोज किया करता था। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि जो अंग्रेज़ है वो महाराजा पटियाला को गद्दी से हटाना चाहते थे भूपिंदर सिंह को, बिकॉज लोगों में इतना उनकी शासनकाल को लेकर और उनकी अय्याशियों को लेकर इतना विद्रोह बना हुआ था, पर थैंकफुली उन्होंने अपनी गद्दी बचा ली। 1938 में महाराजा भूपिंदर सिंह के निधन के बाद उनके बेटे महाराजा यादविंदर सिंह राजगद्दी पर बैठे। वो अपने पिता से बिल्कुल अलग थे, वो बिल्कुल अय्याश नहीं थे। ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन, ही वॉज अ वेरी, उन्हें शान और शौकत पसंद नहीं था, उन्हें अय्याशियाँ पसंद नहीं थी। उन्होंने काफ़ी जो एक्सपेंसेस थे वो कम कर दिए अपने, और वो बहुत सिंपल तरीके से रहते थे। ही वॉज वेरी एजुकेटेड। उन्होंने स्पोर्ट्स में अपने पिताजी का जो इन्फ्लुएंस है वो कंटिन्यू किया। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो वो जो चेंबर ऑफ प्रिंसेस है उसमें वो सदस्य थे, और जब नवाब ऑफ भोपाल सारे राज प्रिंसेस को ये कन्विंस कर रहे थे कि आप भारत मत ज्वाइन कीजिए, तब महाराजा शार्दुल सिंह ऑफ बीकानेर के साथ पटियाला के महाराजा यादविंदर सिंह ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सारे राजाओं को ये बताने के लिए कि आप भारत ज्वाइन कीजिए। बाद में महाराजा जो पटियाला है उन्होंने अपनी रियासत, ये जो फरीदकोट है या कपूरथला, नाभा, जिंद, ये सब मिलाकर पेप्सू, PEPSU, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब प्रिंसली स्टेट्स में मर्ज कर दी। जो महाराजा यादविंदर सिंह, उन्होंने अपना महल डोनेट किया यादविंदर पब्लिक स्कूल एस्टेब्लिश करने के लिए, जो पटियाला का फेमस स्कूल है। उन्होंने काफ़ी अपनी प्रॉपर्टीज़
दान की, भूदान आंदोलन में दान की, रणबीरपुरा एक जगह है, वहाँ पर उनका 2000 एकड़ का फार्म हुआ करता था जो उन्होंने विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट में दान कर दिया, अपनी महल और कोठिया दान कर दी। और फिर आगे चल के वो अम्बेसडर बने, वो यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेट थे, यूनेस्को में डेलीगेट थे, और उनका 1970s में हेग में निधन हो गया। उनके जो बड़े बेटे हैं अमरिंदर सिंह, वो पॉलिटिक्स में आए हैं, अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। जो महाराजा यादविंदर सिंह है, उनकी पत्नी जो थी महारानी मोहिंदर कौर, वो भी पॉलिटिक्स में थी, वो इंदिरा गांधी की बहुत खास थी, बाद में जनता पार्टी में चली गई। और आज तो जो पटियाला राज परिवार है, आई मीन जो अभी के जो महाराजा है अमरिंदर सिंह, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन पंजाब टुडे। तो अगर हम आज देखें तो पटियाला राज परिवार की ताकत और शान और शौकत आज भी जारी है और प्रभाव उनका आज भी जारी है। तो ये थी कहानी पटियाला रियासत की।